अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और क्रिकेट न्यूज़ में आपका अपना अयाज बशीर हाजिर है। तो लास्ट जो टीम रह गई थी स्क्वाड में, थोड़ा सा चेंज हुआ है इंडियन स्क्वाड में, तो आज हम बात करेंगे इंडियन स्क्वाड के बारे में जो वर्ल्ड कप 2023 में अनाउंस हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन एक फोर्स्ड चेंज कह सकते हैं उसको। अक्षर पटेल जो है जख्मी हो गए थे कुछ मैचेस पहले एशिया कप के दौरान ही, तो रविचंद्रन जो अश्विन है उनको डाला गया। तो थोड़ा सा स्क्वाड को रिविजिट कर लेते हैं नाजरीन, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप हो रहा है तकरीबन 12 सालों के बाद 2011 के ये चैंपियन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो चलते हैं टीम की जानिब नाजरीन। रोहित शर्मा कैप्टन है इनके, शुभमन गिल जो है इनके साथ ओपन करते हैं, बड़ी कमाल की फॉर्म में है। विराट कोहली, ये टॉप थ्री है नाजरीन इंडिया के। श्रेयस अय्यर जो है चौथे नंबर पर बैटिंग पे आते हैं और केएल राहुल जो है विकेट कीपर बैट्समैन है, बड़ी कमाल की फॉर्म है जब से कमबैक किया है। ईशान किशन जो है विकेट कीपर बैट्समैन है इनके, यूजुअली ओपन करते थे पहले लेकिन आजकल ये पांच नंबर पे आ रहे हैं एशिया कप में भी हमने देखा है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव हैं जो लग रहा था कि वनडे से ड्रॉप हो गए, संजू सैमसन को डाला जाएगा लेकिन उसके बाद ड्रॉप नहीं किया गया, कॉन्फिडेंस शो किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हुई है उसमें दो मैचों में 250 स्कोर किए, प्लस स्कोर किए इन्होंने। हार्दिक पांड्या जो है वाइस कैप्टन है, काफी अर्से से टीम के साथ है और जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, जिम्मेदार प्लेयर हैं। पाकिस्तान इंडिया वाला मैच आपने देखा होगा जब चार या पांच खिलाड़ी आउट हो गए थे तो हार्दिक पांड्या ने बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली थी। रविंदर जडेजा जो हैं वो भी कमाल के ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और इंडियन पिचेस पे बहुत डेंजरस साबित होते हैं। सुबह शार्दुल ठाकुर जो है स्विंग बॉलर हैं, मीडियम पेसर कह सकते हैं, 125 से 135 में बॉल करते हैं लेकिन उसके बावजूद अच्छे हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं। आर अश्विन जो है रवि अश्विन वो आए हैं अक्षर पटेल की जगह पे। कुलदीप यादव जो है लेफ्ट आर्म इनके रिस्क स्पिनर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेटें भी हासिल की थी और जो है और मैचेस में बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है और उन्हें मौका दिया गया है चहल की जगह पे। जसप्रीत बुमराह प्रीमियम फास्ट बॉलर है इंडिया के, काफी अर्से से अच्छी विकेटें ले रहे हैं। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज तो फास्ट बॉलर हैं जी, चार इनके पास और दो तीन स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बैट्समैन हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडियन स्क्वाड है और ये इतनी पावर रखते हैं कि ये फाइनल के लिए जरूर क्वालिफाई करेंगे। मेरे प्रिडिक्शन सेमीफाइनल एटलीस्ट और इंडिया में देख रहा हूँ फाइनल भी खेल रहा है तो अपने होम कंडीशंस में ये किसी को नहीं जीतने देते वैसे। और विराट कोहली और रोहित शर्मा फुल फॉर्म में हैं, ला तीसरे वनडे में देखा होगा हालांकि वो मैच इंडिया हार गया है लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली और रोहित शर्मा बड़ी कमाल की परफॉर्मेंसेज दी हैं और इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है इंडियन टीम के लिए। तो ये स्क्वाड न्यूज था। कल से वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं नाजरीन, वार्म अप मैचेस जो पाकिस्तान का फर्स्ट है न्यूजीलैंड के साथ और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड है, तो ये इंडियन चैनल्स में दिखाया जाएगा, पीटीवी स्पोर्ट्स का मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह जैसे ही वर्ल्ड कप ऑफिशियली 5 अप्रैल को स्टार्ट होगा तो आपको लाइव कवरेज दी जाएगी, लाइव सेशन होंगे, आपको जो मैचेस की जो है रिव्यूज किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।